एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ। हम गर्व के साथ कह सकते हैं एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। मुझे बताया गया कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की है। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीट जीती है। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव, एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये दो नेता यहाँ मंच पर खड़े, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहाँ पाकिस्तानियों को यहाँ आ करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम यहाँ का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बतौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और यह चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का, खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। देवली उमियारा हम लोग 19,000 से आ रहे थे, एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है। और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसमें मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है, कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। और 84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसानमंद है, हमारी जीत हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा, हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले।